एक तरफ महानगरी और दूसरी तरफ भालोबासार शहर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये राइवलरी है आईपीएल की नंबर 5 मैच में। तो क्या होने वाला है इनका प्लेइंग 11, कौन बनने वाला है मैन ऑफ द मैच और कौन बनने वाला है वो यंग खिलाड़ी जो बन जाए ग्लोइंग बॉय। दोस्तों आप है स्पोर्ट्स मैनिया पे और आज कर रहे हैं बात कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस ने होने वाला आईपीएल 2020 की नंबर 5 मैच की। और इस मैच की तरफ अगर रुक किया जाए दोस्तों, तो जल्दी से बनाते हैं उनका प्लेइंग 11 जो खेलने वाला है आज शाम 7:30 बजे। तो दोस्तों पहले गौर करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। तो मुंबई इंडियंस ने जो प्लेइंग 11 खिलाया था पहली मैच में, उनसे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जेम्स पेटिंसन की जगह पे शायद नोथन कुल्टर नाइल आ जाए, तो उनकी जो प्लेइंग 11 होने वाला है वो है दोस्तों रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक शुरू करेंगे। फिर आएंगे सूर्या कुमार यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कुणाल पांडे, और फिर आएंगे नोथन कुल्टर नाइल, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर और जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, ये होने वाला है मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11। अब गौर करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो शुरुआत करेंगे वो है सुनील नारायण और शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों करने वाले हैं शुरुआत। और फिर आप पाएंगे नीतीश राणा, यन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रासेल, और फिर आएंगे दोस्तों राहुल त्रिपाठी। अब अगर इनकी बॉलर्स की तरफ गौर करें तो वहां पे आएंगे पैट कमिंस, कुलदीप यादव, कमलेश नागरकोटी। जी हाँ दोस्तों, ये तीन बॉलर तो एकदम फिक्स्ड है। और अगर आप 4 नंबर बॉलर पे देखें, यानी कि इनकी 11 नंबर पोजीशन, वहां पे 2 खिलाड़ी की में चॉइस होगा। एक है प्रशित कृष्णा, दूसरा है संदीप वारियर। इन दोनों में ये टीम एक के साथ जाएंगे, तो हमारा चॉइस है संदीप वारियर। तो दोस्तों ये है इनका जो प्लेइंग 11 हो सकता है आज के मैच में। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आज की मैच में जो मैन ऑफ द मैच हो सकता है उन खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारा चॉइस है आपके पास। आप बात कर सकते हैं हार्दिक पांड्या की, आप बात कर सकते हैं रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह की मुंबई इंडियंस की तरफ से, आप बात कर सकते हैं शुभमन गिल की, पैट कमिंस की, सुनील नारायण की, या फिर आंद्रे रसेल की कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। लेकिन दोस्तों हमारे ध्यान से जो खिलाड़ी होने वाला है इस मैच की मैन ऑफ द मैच, और जो खिलाड़ी एकदम बदलने वाला है सब इक्वेशन इस मैच में, वो खिलाड़ी है आंद्रे रसेल। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर, 2019 की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सीपीएल खेलते हुए आ रहे हैं वो खिलाड़ी, वो होंगे इस मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे ध्यान से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब इस वीडियो की एकदम लास्ट पॉइंट पे, और जो पॉइंट है दोस्तों ग्लोइंग प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, ग्लोइंग प्लेयर है वो यंग खिलाड़ी जो करने वाला है सबसे ज्यादा शाइन इस मैच पे। तो हमारे ध्यान से दोस्तों वो जो खिलाड़ी है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की खिलाड़ी, हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। जी हाँ दोस्तों, ये एक खिलाड़ी की बात, क्या पोटेंशियल है सब लोग जानते हैं। 2019 की आईपीएल में इतना ज्यादा इन्हें चांस नहीं दिया गया था ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अब वो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो कोच है ब्रेंडन मैकलम ने एकदम कह दिया है कि इस बार तो शुभमन गिल टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे। और अब शायद ये भी देखें कि अब जब आईपीएल 2020 खत्म हो तो वो जो रन गेटर्स की लिस्ट है वहां पे आप ऊपर ही इस खिलाड़ी को पाए। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है। तो दोस्तों यही है आज की ट्राइडिक्शन। और दोस्तों चलिए चलते हैं आज फैंटेसी क्विज की तरफ। तो दोस्तों पिछली जो फैंटेसी क्विज की हमने सवाल किया था आपसे, जो था कि कौन है वो दूसरा इंडियन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बात, जिन्होंने पाया है एक आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप, वो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों रॉबिन उथप्पा। जी हाँ दोस्तों, 2014 में केकेआर से खेलते हुए उस खिलाड़ी ने जीता था सेकेंड इंडियन की तौर से ऑरेंज कैप। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आज की फैंटेसी क्विज में। आज की जो फैंटेसी क्विज है दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है, वो है कौन है वो इंडियन खिलाड़ी जिसने जरा सबसे ज्यादा डक्स, जी हाँ दोस्तों डक्स मतलब कोई भी रन ना करते हुए आउट, 0 रन पे आउट कौन खिलाड़ी सबसे ज्यादा हुआ है इंडियन की तौर से इस आईपीएल की हिस्ट्री में, इस आईपीएल में नहीं आईपीएल की हिस्ट्री में। तो दोस्तों हम कुछ क्लू दे रहे हैं आपको फिर से। एक जो क्लू है वो कोई ऑलराउंडर नहीं है या फिर कोई गेंदबाज नहीं है। दूसरा जो क्लू है वो है दोस्तों 1, 2 या 3 नहीं उससे भी ज्यादा फ्रेंचाइज के लिए खेलते हुए आ रहा एक खिलाड़ी है। तो दोस्तों गेस करें वो नाम, गूगल मत करिए प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अपनी अगली वीडियो में वो नाम आपको जरूर बता देंगे।
तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे स्पोर्ट्स मैनिया पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारे चैनल को, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट सेक्शन पे बताए कि आप किस किस टॉपिक्स पे चाहते हैं वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे हमारे साथ, बने रहे स्पोर्ट्स मैनिया पे। तब तक के लिए धन्यवाद।